आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी जमीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नजर रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो। इसलिए हमारी सरकार बनेगी पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है, उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेशा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेशा कानून को जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए। और आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी है जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए, इसको बंद किया जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेशा लागू करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है, गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, सरकारी स्कूल है नहीं, है तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। आज मैं आदिवासी समाज के भाइयों बहनों सबको, माताओं बुजुर्गों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी चीज, उनके मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाओ, प्राइवेट में तो आदमी मर जाता है, इतना पैसा लूटते हैं, और सरकारी के अंदर कोई इलाज नहीं है, सरकारी अस्पतालों का कोई वहां पे है ही नहीं, डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली में खोले, ऐसे हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे और वहां पे पूरा इलाज फ्री होगा, उनके लिए स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे, आदिवासी इलाकों के अंदर स्पेशल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जहां पे दिल्ली में चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबका इलाज हमने पूरा मुफ्त कर दिया, बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री में होता है। आदिवासी इलाके के अंदर भी ये व्यवस्था करेंगे कि सारा इलाज उनका मुफ्त किया जाएगा। चौथी चीज, कास्ट सर्टिफिकेट लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है, इतने पेज इतनी फॉर्मेलिटीज को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, इसका प्रोसेस सिंपल करेंगे ताकि आसानी के साथ किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल सके। पांचवी चीज, जिन आदिवासी जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको घर दिया जाएगा। और छठी चीज की सड़क, हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। बाकी जो दूसरों के लिए गारंटी है, रोजगार देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे, फ्री बिजली देंगे वो आदिवासी समाज को भी देंगे। तो ये 6 गारंटी आज मैं आदिवासी समाज के लिए ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।